चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जा रहे मैच में पृथ्वी शॉ ने सीएसके के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। फिर चाहे वो दीपक चाहर हो या सैम करन, फास्ट गेंदबाजों से लेकर स्पिनर गेंदबाजों तक पृथ्वी शॉ ने हर एक गेंदबाज को अपने बल्ले से मजा चखाया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के जाल में पृथ्वी शॉ ऐसे फंसे कि अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कि जब पृथ्वी शॉ गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे तब महेंद्र सिंह धोनी पीयूष चावला के पास गए और उन्हें समझाया कि पृथ्वी शॉ को कैसे कैसे गेंद डालनी है। बस फिर क्या था, पीयूष चावला ने कप्तान धोनी के कहे अनुसार गेंदबाजी की और जैसे ही 13वें ओवर की दूसरी गेंद पीयूष चावला ने डाली, पृथ्वी शॉ ने आगे बढ़कर शॉट खेलना चाहा और गेंद मिस कर गए। बस फिर क्या था, पीछे खड़े थे धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने गोली की रफ्तार से पृथ्वी शॉ का स्टंप उड़ा दिया। ये स्टंप इतना तेज था कि पीयूष चावला को भी पता नहीं लगा कि धोनी ने कब उनकी गिल्लियां बिखेर कर रख दी। लेग साइड पर खड़े अंपायर भी चौंक गए कि धोनी ने इतनी तेज स्टंप कैसे कर दिया। लेकिन ये तो धोनी है, उनके आगे क्रीज से कोई बाहर निकले तो वो भला अपना विकेट कैसे बचा सकता है। तो आपको कैसा लगा महेंद्र सिंह धोनी का ये शानदार स्टंप आउट, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।